बाबा ने मुरली में कहा कि सूक्ष्म वतन में आना जाना टाइम पास है, ये ना ज्ञान है ना योग। और प्रश्न पूछा गया है कि अब योग ना करें, योग करने के लिए बाबा ने कहा ही कब है? बाबा ने योग करने के लिए कभी नहीं कहा। बाबा कहते योग शब्द ही प्रयोग मत करो, योग शब्द भक्ति का शब्द है, याद शब्द का प्रयोग करो। परंतु ये शुरू में योग लिखा गया भक्ति के समय में, ये तब से चला आ रहा है। मूल्यों को आप ध्यान से देखें, बाबा योग शब्द का प्रयोग करने के लिए निषेध करते, ये भक्ति की परिभाषा है। और सूक्ष्म वतन में आना और जाना टाइम पास है, ये बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया हुआ है। वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि वहां जाने और आने से कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, सुधार नहीं आता। बाबा की मुरली को सुनना, उसका मनन चिंतन करना, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। मनन चिंतन करना याद है, ज्ञान का मंथन करना याद है, अपने आप को बैठकर मन मना भव करना समझाना ये याद है। अब योग की जगह याद चलते फिरते उठते बैठते काम करते, कोई काम नहीं है तो खाली बैठ कर याद कर। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।